स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। दिल्ली में कल से G20 समिट का आगाज हो रहा है। G20 समिट से पहले आज प्रगति मैदान की भारत मंडपम से सटे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें समिट के दिल्ली घोषणा पत्र को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, दिखा रहे हैं आपको रिपोर्ट का। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में जिस तरीके से यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें अहम जानकारियां दी गई हैं। इस सम्मेलन पर न सिर्फ भारत के कूटनीतिक नज़रिए से बल्कि द्विपक्षीय वार्ताओं के लिहाज से भी तमाम नज़रें लगी हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कल से G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो रहा है। इससे पहले आज G20 अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में कार्यक्रम के मद्देनजर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ और G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमिताभ कांत ने कहा कि भारत ने विकास को गति देने के लिए डिजिटल लोक बुनियादी ढांचे का एक अनूठा मॉडल तैयार किया है। G20 शिखर सम्मेलन का घोषणा पत्र वैश्विक दक्षिण और विकासशील देशों की आवाज होगा। G20 से जुड़ी 220 से अधिक बैठकें देश भर में 60 नगरों में आयोजित की गई हैं, जिनमें भारत की विविधता और संघीय ढांचे की झलक प्रदर्शित होती है। नई दिल्ली घोषणा पत्र करीब तैयार है। शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं को इसकी सिफारिश की जाएगी। शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत ने महसूस किया कि हमें अपनी अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम दुनिया एक परिवार है की थीम के साथ शुरू करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत की अध्यक्षता समावेशी, निर्णायक और महत्वाकांक्षी होनी चाहिए। हम अपनी अध्यक्षता के दौरान समावेशी, महत्वाकांक्षी और बहुत निर्णायक होने के उनके दृष्टिकोण पर खरे उतरे हैं। इंडिया फेल्ट दैट वी शुड स्टार्ट आवर प्रेसिडेंसी विद द थीम ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। That is, the world is one family. We are one earth, one family, and we should have one future. And the Prime Minister, who's the leader of G20 from India, and I act as his Sherpa, he said that our presidency, India's presidency, should actually be inclusive, it should be ambitious, it should be decisive, and it should be action-oriented. And these are the four principles on which we have worked. And I can assure you that we have lived up to his vision of being inclusive, ambitious, action-oriented, and very, very decisive during our presidency. वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सम्मेलन में भाग नहीं लेने पर अमिताभ कांत ने कहा कि चीन एक बहुपक्षीय खिलाड़ी है। बहुपक्षीय चर्चाओं में मुद्दे द्विपक्षीय मुद्दों से बहुत अलग होते हैं। चीनी अपने दृष्टिकोण से वृद्धि और विकास के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अमिताभ कांत ने आगे कहा कि किसी भी बहुपक्षीय चर्चा के बारे में चुनौती ये है कि आपको हर मुद्दे पर सर्वसम्मति लानी होगी। हर देश के पास वीटो शक्ति है। हम हर एक देश के साथ काम करने और उन्हें अपने साथ लाने में सक्षम हैं। वहीं वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की G20 की अध्यक्षता का फोकस और दृष्टिकोण वैश्विक चर्चा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है, जो लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। वहीं G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि हमारे G20 के लिए 125 से अधिक राष्ट्रीयताओं के करीब 1,00,000 आगंतुक आए होंगे और उनमें से कई लोगों के लिए ये एक नए भारत की खोज रही है। G20 की अध्यक्षता से हमारे देश और हमारे नागरिकों को आर्थिक लाभ होगा। We have also made our presidency an inclusive one. Sherpa has already mentioned that we've had very significant participation from the global south and from Africa. We would have received a total of about 100,000 visitors for our G20 presidency from over 125 nationalities. And for many of them, this has been the discovery of a new India. And I think that has been very significant from their point of view. Clearly, the G20 presidency will bring economic benefits to our country and to our citizens, and that's also been a very important objective.
श्रृंगला ने कहा कि हमने टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर दिया है, विशेष रूप से वो टेक्नोलॉजी जो डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी है। जाहिर है दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं और इसी के साथ दो दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत कल सुबह हो जाएगी और इसमें जहां दिल्ली डिक्लेरेशन पर नजरें रहेंगी तो वहीं इससे इतर होने वाली द्विपक्षीय वार्ताओं पर भी तमाम नजरें रहेंगी। ऐसे में भारत के कूटनीतिक लिहाज से G20 शिखर सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।